किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। हे दगड़ियों, गुड इवनिंग। आप सभी को जानकी रावत का पहलक प्रणाम। आई होप आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त, मस्त, बिल्कुल चकाचक। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं जस्ट सोकर उठ करके बाहर आई और देखा बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, पिथौरागढ़ का थोड़ी बारिश सी हो रही है, तो मेरा मन हुआ कि कुछ गाना गाया जाए। हालांकि मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। हे दोस्तों, आज है ट्यूसडे, तो आज जो है ना पिज़्ज़ा का ऑफ़र मिलता है, तो काफ़ी दिनों से बच्चे जिद कर रहे हैं पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, और मैं भी कर रही थी। लेकिन आज ट्यूसडे था तो मेरे हस्बैंड मंगा तो नहीं रहे थे, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मंगाना होगा, खुद मंगाएंगे, मैं भी नहीं कहूँगी। फिर अभी बच्चों ने याद दिला दी कि पापा आज ट्यूसडे है, आज ऑफर के दिन दो पिज्जा मिलते हैं। फिर कह रहे माँ ने खाना बना दिया है, क्योंकि मैंने सब्जी चढ़ा दी है न्यूट्रेला की। और दक्षु का बहुत ज़्यादा मन है, हम उस दिन मंगा रहे थे लेकिन दक्षु बीमार था। दक्षु ने कहा अभी मत मंगाओ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब मंगाना, ऐसा बोला था ना दक्षु आपने। ठीक हो गए हो ना, तो यही कह रहे अपने पापा से, पापा प्लीज़ मंगा दो ना खाना, कोई बात नहीं हम खा लेंगे बाद में। हम मुझे बताए खाने वाले थे, कुछ है नहीं, उनका पिज्जा से ही पेट भर जाएगा। कहाँ चढ़े हो, अरे क्या कर रहे हो आप, उधर उठा लोगे ना? हाँ, मैं आपको क्यों नहीं उठा सकती, भारी लग रही होगी ना, भारी लग रही होगी, मेरे को उठा के दो। ये क्या बॉडी है, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि कौन सा मंगाऊं कौन सा मंगाऊं। और वैसे तो मैं मना करती क्योंकि खाना मैंने बना दिया है, सिर्फ रोटी बनानी है। लेकिन बाहर देख, जैसे कि आपने भी मेरे व्लॉग में देखा, बाहर होने लग गई है बारिश और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, थोड़ी सी गर्मी हमारी दूर हो गई है। तो ऐसे मौसम में कुछ ना कुछ तो बाहर का खाने का मन करता है, तो पिज़्ज़ा खाने का मेरा भी मन है, तो इसलिए मैं मना भी नहीं कर रही हूँ। इनको मेरे से पूरी उम्मीद थी कि मैं मना करूँगी। इनको पूरी उम्मीद थी कि मैं मना करूँगी, नहीं कहाँ मंगा रहे हो पिज़्ज़ा, मैंने खाना बना दिया है। बट ये तो उल्टी बाजी उल्टी हो गई, क्योंकि मेरा भी मन हो रहा है बाहर, देखिए बारिश होने लगी, छोटी छोटी खाती। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अभी अपने व्लॉग में बताया था कि मैंने सब्जी चढ़ा दी है, तो मैंने न्यूट्रेला की सब्जी चढ़ाई थी और ये मेरी बन रही है अभी फिलहाल। तो अब हमारा खाना जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग खाने वाले हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के बाद खाने को कौन पूछता है। और दोस्तों अभी पिज़्ज़ा आने में 20 मिनट बाकी हैं, तो तब तक मैं लगा लेती हूँ अपने बालों पर तेल, क्योंकि कल मैंने धोना है अपना सिर। लेकिन मुझसे जो है अपने बालों में मसाज जो है वो अच्छे से होती नहीं है, तो रावत जी ने कहा लाओ तुम्हारी हेयर मसाज मैं कर लेता हूँ, तो थोड़ी सी मसाज मैं उनसे करवा रही हूँ। वैसे तो करना ही पड़ेगा, सारे बाल भी लग जाते हैं, जा लिया करो फिर। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो है दक्षु को हो रहा है पिज़्ज़ा के आने का, पता नहीं कब आएगा करके। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो पिज़्ज़ा है वो हम लोगों के बीच पहुंच चुका है, वहां पर ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। और दोस्तों पिज्जा जो है हमारे बीच पहुंच चुका है, और फ्रेंड इंतजार नहीं हो रहा है, तो अब हम खाने के लिए बैठ जाते हैं गर्मा गर्म पिज्जा।
और दोस्तों पहला वाला जो पिज्ज़ा है वो हम खा चुके हैं और अब हम खोल रहे हैं दूसरा वाला पिज्ज़ा जो कि है चीज़ पिज्ज़ा जो इसके साथ ऑफर में मिला है। फ्रेंड पिज़्ज़ा जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और था, पहला वाला ज़्यादा टेस्टी और था जो पनीर पिज़्ज़ा था, और दूसरा वाला अब ऑफर में दोनों इतना अच्छा तो दे नहीं देंगे। दूसरा वाला चीज़ पिज़्ज़ा था, बस चीज़ तो दिख नहीं रही थी उसमें कम था उसमें, लेकिन अच्छा हो रहा था चटपटा। अच्छा अब थोड़ी देर में बनाऊंगी रोटी, भूख तो है नहीं, दो दो रोटी बनाऊंगी बस। दो रोटी ज़्यादा नहीं। और दोस्तों अब मैं बनाती हूँ रोटी और देख सकते हैं आप यहाँ हो रहा है अंधेरा क्योंकि लाइट है नहीं, बाहर हो रहा है मौसम ख़राब तो इस वजह से लाइट जो है जा चुकी है और मेरा फ़ोन भी जो है अच्छे से चार्ज नहीं है, कम है उसमें बैटरी। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे मुझे भूख नहीं है मेरे लिए मत बनाओ, बट मैंने सब्जी तो बनाई रखी है, मैंने कहा दो दो रोटी आप भी खा लो जब रोटियाँ बना ही रही हो तो। तो चलिए दोस्तों इन लोगों के लिए मैं लगा देती हूँ खाना, लाइट तो पता नहीं कब आएगी, लाइट का वेट नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने जाना है ड्यूटी के लिए वरना लेट हो जाएगा। ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। ओके तो आपसे मिलती हूँ मैं कल के दिन एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ यार कर देना चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। ओके तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि। आपसे मिलती हूँ कल के दिन एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।